मत करना मत करना सर खड़ी। तो भाई लोगों देख लो इंडिया का सबसे बड़ा मॉल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज है हमारा मुंबई में घूमने का लास्ट डे, क्योंकि कल है हमारी फ्लाइट वापसी की। तो आज हम जा रहे सबसे पहले जियो वर्ल्ड प्लाजा। आप लोगों ने सुना ही होगा, अभी अभी जियो का बहुत बड़ा इंडिया का बिगेस्ट मॉल खुला है, तो हम सबसे पहले जा रहे हैं वहाँ पर। तो मिलते हैं आपको सीधा वहीं, और ले चलता हूँ और घुमाता हूँ आपको कि इस इतने बड़े मॉल में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नया देखने को मिलता है जो और मॉल में नहीं है। तो बने रहे वीडियो में, लेट्स गो। इन दोनों वाइट परियों के साथ मैं बना हूँ आज ब्लैक कौवा। तो हम जा रहे हैं मॉल, जल्द से जल्द पहुँचने वाले थोड़ी देर में, मिलते हैं सीधा वहीं, लेट्स गो। तो भाई लोगों देख लो इंडिया का सबसे बड़ा मॉल, ये हमारे अंबानी साहब का मॉल, इंडिया का सबसे बड़ा मॉल BKC जियो वर्ल्ड प्लाजा। सी एंट्री आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से आगे देखते हैं अब मॉल किस तरह का है। फ्लोरिंग दोस्तों, ये मॉल लग रहा है या होटल लग रहा है ये समझ नहीं आ रहा, इतना वाइड मॉल है कि पता नहीं लग रहा कहाँ से शुरू करें। आप लोग देख सकते हैं अभी आप लोगों को कोई भी मतलब किसी भी ब्रांड के कोई शोरूम नहीं दिखेंगे, बट आप लोगों को सिर्फ अभी खाली स्पेस दिख रहा है। अब देखो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा मॉल होगा, कितना बड़ा मॉल होगा। आप लोग ये देख सकते हैं मार्बल है, और मार्बल के अंदर लाइटिंग की गई है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खर्चा किया है इस मॉल में। ओह माय गॉड, एक्वेरियम देख सकते हैं आप कितना बड़ा एक्वेरियम है। जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे देखते हैं कौन कौन से शोरूम हैं और क्या क्या ब्रांड्स हैं यहाँ पे। लेट्स सी, हम मैं भी पहली बार और आप लोग भी शायद पहली बार ऐसे ऐसे ब्रांड्स देखेंगे जो हमने आज तक शायद कभी देखे ही नहीं है इंडिया में। ये रहा मोस्ट एक्सपेंसिव घड़ियों का शोरूम रोलेक्स, जैसे कि आप सब लोगों को बताइए। ये रहा गुच्ची का शोरूम,
कलेक्शन देख सकते हैं आप लोग बैग्स की। यहाँ पे वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट शोरूम्स आपको यहाँ मिलेंगे। मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और सामने है कार्टियर का शोरूम। मैंने आप लोगों को कहा था ऐसे ऐसे शोरूम्स हैं यहाँ पे जो हमने शायद आज तक सुने ही नहीं है। और ये नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर, तो आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल शोरूम है। तो मैं इस शोरूम को सनग्लासेस से आप नहीं देख सकता, मैं अपनी नेकेड आई से इसको देखना चाहता हूँ शोरूम को। इतना ब्यूटीफुल शोरूम है, अगर आप मुंबई आए तो ज़रूर इस शोरूम आए। और अभी आप लोगों को तो मैंने सिर्फ सेकंड फ्लोर पे है, अब जाएंगे हम इससे ऊपर वाले फ्लोर पे। लेट्स गो। तो अभी तक तो थर्ड फ्लोर पे कुछ दिख नहीं रहा, बट आगे जाके कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा तो आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग जियो वर्ल्ड सेंटर से, वर्ल्ड प्लाजा से आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं कितने पॉश एरिया में है, कितना ब्यूटीफुल है आउटसाइड भी। ये आप लोग देख सकते हैं क्रॉकरी शॉप शोरूम, ऐसा शोरूम शायद ही आपने कहीं बड़े मॉल्स में देखा होगा। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज़्यादा कॉस्टली ग्लास होने वाले हैं, प्लेट्स एंड एक्सेट्रा। यहाँ का वॉशरूम, ये अब चेक करते हैं यहाँ का वॉशरूम। तो वॉशरूम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, जैसा कि लगा था मुझे कि किसी के लिविंग रूम में वॉशरूम कम और लिविंग रूम ज़्यादा लगा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और वॉशरूम के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। आप लोग मॉल का इनसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर देख ही सकते हैं, अंबानी साहब ने दबा के पैसा खर्च किया इस मॉल पे। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया है इस मॉल को, कोई कसर और कोई कमी नहीं छोड़ी है। और जो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स अभी और आ जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। शोरूम जब नए खुलेंगे इस मॉल में तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगने वाला है। और जो आप लोग ये फ्लोरिंग देख रहे हैं ये नॉन स्लिपरी फ्लोरिंग है, मैंने कोशिश की थी काफ़ी ज़्यादा फिसलने की बट नहीं फिसला। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खर्चा इस मॉल पे किया गया है। जी शायद मुझी शायद चाइनीज या जैपनीज ब्रांड है, आई डोंट नो, मैंने तो शायद पहली बार ही देखा है और सुना ही पहली बार है। तो जो ये आप लोगों को डिज़ाइन जैसे दिख रहे हैं वॉल्स में, इन सब के अंदर भी अभी शोरूम्स खुलने बाकी है। जो इतना भी आप लोगों ने अभी नीचे से ऊपर तक फ्लोर्स में ये चीज़ देखी, इन सब में नए नए ब्रांड्स खुलने वाले हैं। अभी लिमिटेड ब्रांड्स अभी यहाँ पे है, तो जब ये पूरे ब्रांड्स यहाँ पे आ जाएंगे तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा रौनक होने वाली है यहाँ पे। तो ये जो सिटिंग एरिया है, यहाँ पे जो शॉपिंग करने आए हैं कॉमन लोग, उनके लिए सिटिंग एरिया बनाया गया है। लिफ्ट गोल्डन प्लेटेड कलर दिया गया है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो ये है लिफ्ट, वाव, ऐसी लिफ्ट मैंने कभी देखी नहीं है ऐसे आज तक। लिफ्ट में भी स्क्रीन लगी है। तो ये है यहाँ पे नूनास रेस्टोरेंट जो की एंट्री भी है, और ये है रिसेप्शन यहाँ की जियो वर्ल्ड प्लाजा की। तो ये था जियो वर्ल्ड प्लाजा आप लोगों ने देखा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे है लिमिटेड शोरूम्स है, और आप लोगों ने देखा यहाँ पे नॉर्मल ब्रांड्स, मतलब हम लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, नाइकी, प्यूमा, एडिडास जैसे ब्रांड यहाँ पे आप लोगों को अभी देखने को ही नहीं मिलेंगे, और मैं खुद भी शौक रह गया। तो यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े और एक्सपेंसिव ब्रांड्स अभी यहाँ पे अवेलेबल है, और कुछ ब्रांड्स अभी खुलने बाकी है। आई होप कि मैं शायद बाद में भी यहाँ पे कभी और आ पाऊँ मुंबई और इस शोरूम फिर से आऊँ। तो फिलहाल के लिए इस जियो वर्ल्ड प्लाजा का आप लोगों को टूर इतना ही है, तो इसके बाद जा रहे हैं हम घूमने। अब आप बने रहे वीडियो में। तो हम
हम पहुंच गए जुहू बीच, मुंबई का फेमस बीच है जुहू बीच। तो हमने अभी लगभग 3:30-4 बज रहे, तो शाम के टाइम मुंबई का बीच चलते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे अगर वाटर स्पोर्ट्स करना होगा क्या बनेगा, बाकी देखते आगे जाके कैसा है बीच। जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स करने, जेट्स की और फ्लाइंग फिश, जिससे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और बने रहे वीडियो में, आप लोगों को दिखाता हूं थोड़ी देर में, लेट्स गो। तो गाइस हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स करने, वो खड़ी हमारी जेट्स की पर है, और उसके बाद करेंगे हम फ्लाइंग फिश, जो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। जेट्स की तो मैंने पहले भी किए गोवा में, बट मुंबई में आज पहली बार मैं फ्लाइंग फिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो ये दोनों देखो बीच पे बहुत आगे चले गए, इन्होंने वाटर स्पोर्ट्स नहीं करना है, ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ बीच का एंजॉय लेंगे, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा डर लग रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है डर लगने लायक, बट इन दोनों को देखो ऐसे भी फन कर रहे हैं दोनों। और हम जा रहे हैं फ्लाइंग फिश में, देख सकते हैं आप लोग मेरे साथ है, ये मेरा मुन्ना। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, भाई की जो बॉडी ना भाई, मेरे को बनाने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। तो भाई फुल हार्ड वर्किंग है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई अभी उड़ने वाले फ्लाइंग फिश में, और इनकी मैं क्रेज होने वाला है, हम दोनों फुल मचाने वाले। सिर्फ भैया जाएंगे और मैं जाऊंगा साथ में कैमरा मैन, एंड फुल टू फुल मचाने वाला है भाई। रेडी टू एंजॉय? यस ब्रो। भाई अकेला भी उठा सकते हैं, भाई उठा लो। अरे अरे भाई एक ही हम लोग के पास, अगर एक चलो चलो। तो देख सकते हो भाई ने अपने एक उंगली से उठा लिया है। बैठ जाओ, वी आर रेडी टू गो। और इन्होंने बोला जितना पीछे बैठेंगे उतना ज्यादा फन आएगा। और देख रहे हो भैया लॉन्डे बनाने में बैठा है ब्लाइंड फिश। बॉडी देख लो भाई, कमेंट करके बताओ कितना साइज का बॉडी देगा। देखो एक बर्गर से भी बड़ा उठना डोले खाली। ओ देखते हो, मौत को चुके टक से वापस आएंगे। कुछ आखिरी ख्वाहिश बोलना तो बोल दो। बाय बाय। अरे बाय तो बोलो। भैया इस राइड कर रहे हैं एकदम जबरदस्त, थोड़े देख सकते हो कट नगर आएंगे अभी पकड़ते हुए। ये फुल वर्कआउट वाला राइड है, जितनी भी बॉडी बिल्डर भाई आइए और अपनी बॉडी बनाइए राइड पे। बोट है 100 HP पावर की, जबरदस्त बोट है, और ये इसको खींचेंगे जबरदस्त। और अभी फिलहाल भैया को हम रिलैक्स करा रहे, सेटिंग कर रहे फुल उड़ाने की। तो भैया एकदम मतलब अभी चैंपियनशिप करके आ रहे हैं, इनके हाथ में बैंड देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, समझ लो कितने स्ट्रॉन्ग है अभी पता चल जाएगा इस राइड में। आजमा भी लेंगे, परख भी लेंगे। चलो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों पर डर लग रहा है, क्योंकि एक हाथ से पकड़ा है ब्रो ने। भाई छोड़ते छोड़ते हाथ मत घुमा देना भाई, मेरी कोमा में चले जाऊंगा पानी के साथ। अगर बाई चांस गिरने हुआ ना, मतलब कंफर्टेबल, तो सेट आ जाना ठीक है। अभी पानी हट जाएगा, ठीक है, सो जाना, ये सोने के लिए तकिया है। दो जो डर लगता है ना आपस में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारी बोट चल रही है और स्पीड कितनी है बताओ। और ये अभी से बिजली मारना स्टार्ट हो गया, आसमान में सूरज है, प्लेन है, भाई धरती पे है। फुल मचाओ राइड, मचाओ राइड, फ्लाई कर रहा है भैया, क्या बोलते हैं पानी के अंदर। वो कहावत है गई भैंस पानी में वही साफ हो गया मेरे साथ भी।
तो इतनी ज़्यादा स्पीड में उन्होंने बोट बढ़ाई थी कि मैं पानी में गिर गया और मेरे शोल्डर में भी पूरा खिंचाव पड़ गया और कंट्रोल ही नहीं कर पाया और मैंने एकदम छोड़ दिया और मैं सीधा पानी में जा गिरा। और हालत आप लोग देख सकते हैं। पानी के बीच में हम लोग पानी में जल पर इस लड़की मत करना मत करना सर लड़की अभी तो बिल्कुल नहीं है पूरा पूरा बात करने के लिए ठीक है अभी गिरोगे नहीं आप हम लोग जिंदगी एक पल है सुबह बहुत नमकीन पानी का अंडरटेकर ठीक कर गया अंडरटेकर ठीक करता है भाई जिसने मौत की मुझे टक से बाहर आना है वही ये राइड करे मुंबई में आके हर महादेव हर हर महादेव भाई मौत की मुझे खलास राइडर ही हारता ब्रो तो कैसा रहा एक्सपीरियंस वाज टू गुड और बहुत ज़्यादा डेंजरस था तो सेफ्टी था क्या नहीं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और जैकेट जिंदाबाद जैकेट जुकेट भाड़ में भाई ने बताया जैकेट जुकेट भाड़ में जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र जय भीम हर महादेव। तो फ्लाइंग फिश के मौत के निकलने से बाद इतनी क्या सी बोलूँ क्या रहेगा अच्छा हुआ इन दोनों ने नहीं कि बिल्कुल सही डिसीजन था इन दोनों का। तो अब हम तीनों जा रहे हैं नॉर्मल बोटिंग पे तो हम तीनों ने लाइफ जैकेट पहन ली और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों ने भी देखा होगा शायद कि कैसे कैसे बचाऊँ भाई बहुत बुरे हाल हुए बट मज़ा भी बहुत आया ये भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है। तो हम तीनों जा रहे हैं बोटिंग पे और बोटिंग पे तो अपने वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद थोड़ी सी मैंने की पोजिंग और थोड़ा सा वहाँ पे बीच में और एंजॉय किया शाम का वेदर एंजॉय किया आप लोग देख सकते हैं साथ में सनसेट भी होने ही वाला था। बीच में एंजॉय करने के बाद हम निकल गए वापस अपने रूम की तरफ और कमेंट करके बताना कि ये जो हाउस है जलसा ये किसका है। पहुंचने के बाद हम निकल गए हमारी आफ्टर पार्टी करने क्लबिंग करने तो लास्ट नाइट थी तो सोचा कि क्लब क्यों ना जाया जाए। ऐसा रहा आज का हमारा दिन आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।